नमस्कार, स्वागत करते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। रफ्तार के आचूड़ों में हम बात करेंगे थार रॉक्स का MX3 वेरिएंट। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं रियर व्हील ड्राइव वाला ये वेरिएंट। इसमें आपको 4x4 देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से अभी तक ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इसमें जो फीचर्स मैंने देखे, मेरे को लगता है यार काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो पेट्रोल में आपको पड़ेगी MX3 वेरिएंट 80 यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14.99 लाख। अगर हम डीजल की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन इसका MX3 का आपको पड़ेगा 15.99 लाख। और अगर हम गाड़ी की बात करें ना यार, तो आप देख रहे हैं टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पार्किंग ब्रेक जैसा मैं आपको बता दूं कि हैंड ब्रेक आपको जैसा स्कॉर्पियो में रहता है वैसा देखने को मिल रहा है, या थार में जैसा आता था वैसा देखने को मिल रहा है। अगर हम बाहर से बात करें तो आप देख रहे हो यार ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अलॉय व्हील्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। टायर साइज मैं आपको बता दूंगा या आगे आप देख सकते हैं। फ्रंट से अगर हम बात करें तो आपको वही सी शेप की जो इनकी हेडलैम्प है वो देखने को मिलेगी। DRLs आपको यहाँ पे फेंडर की तरफ आप देख रहे हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको कोई भी फॉग लैंप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर साइज कितना रहेगा इसका और MRF के टायर इसमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यार इंटीरियर भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अगर हम बात करें तो यहाँ बेज कलर नहीं, ब्लैक और ये वाइट का जो कॉम्बिनेशन दिया है ना सीट में, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी सब में आपको वाइट कलर का सीट या देखने को मिलता है जो कि इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं, ये ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है उससे। बाकी अगर हम बात करें यार यहाँ पे रेयर में भी तो सब कुछ आपको A to Z देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ विंडोज़ 1 टच रोल अप आपको ड्राइवर साइड देखने को मिलेगा, बाकी चारों पावर विंडोज़ देखने को मिलेगा। रेयर वाइपर आपको शायद ना देखने को मिले या हो भी इसमें MX3 में, यहाँ पे मैं श्योरिटी नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ यार मेरे हिसाब से ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट रहेगा। 3 अक्टूबर को गाड़ी लॉन्च होने वाली है और अगर आप लेना चाहते तो यार आँख बंद करके ले लें क्योंकि अच्छा खासा वेटिंग पीरियड इसके बाद देखने को मिलेगा। और अगर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, बाद में आपको पता है महिंद्रा क्या करती है। महिंद्रा का ये है कहना है कि यार वो धीरे धीरे थोड़े फीचर्स हटाते जाती है, ऐड भी करती है और प्राइस भी शायद बढ़ा देती है। आपको मैं बता दूँ रेयर एसी वेंट्स भी देखने को मिलेगा, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है। तो यार A to Z आपको जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी में चाहिए वो देखने को मिलेगी। और रेयर व्हील ड्राइव है तो मैं आपको बता दूँ ऑफ रोडिंग तो नहीं, खैर आप हाईवे पर भी चला सकते हैं इसको, और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा यार अगर आप ये वेरियंट लेते हैं तो। मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो MX3 लेने का तो आप ले लीजिए। पेट्रोल में मैंने इसका दाम बता दिया 14.99 लाख और डीजल में अगर हम बात करें 15.99 लाख रखा गया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा। पहली वीडियो है ये और रेयर से यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और जो रेयर टायर पर आप ये देख रहे हैं मेरे हिसाब से एक्सेसरीज का पार्ट है। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चाहिए सब्सक्राइब जो करेगा। दिस इज मी साइनिंग ऑफ रफ्तार 7811। जय हिंद, जय भारत। 4 चाहते हैं सीट बेल्ट, 2 चाहते हैं हेलमेट जरूर पहने, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना आप मत भूलिएगा।